Hello, welcome to Phineas again. This is Dr. Imran Omar and this is lecture number 2 of our course Excel for Beginners. But before we move forward, I'll request kindly subscribe to my channel Phineas and press the bell icon for the notification of new videos. In today's lecture, mein, we'll discuss the following things. How to move around in an Excel sheet? How to go to any cell quickly? Then we'll discuss how to select in an Excel sheet?

लेफ्ट एंड राइट एरो की अगर आप मूव करना चाहें एक्सेल में तो आप इस तरह से मूव कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज कि आप अपने टैब के बटन को यूज करें अगर आप टैब का बटन क्लिक करते हैं तो वो एक सेल राइट पे मूव करता है सी दिस लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे लेफ्ट पे मूव करना है तो आपको शिफ्ट टैब दबाना होगा तो वो एक सेल लेफ्ट पे मूव करेगा आप कहते हैं कि मुझे जो है अपने एक्सेल शीट की लास्ट कॉलम पे जाना है तो आप कंट्रोल और राइट एरो का बटन दबाएंगे तो आप लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे आप कहते हैं कि मुझे जो है वो लास्ट रो पे जाना है अपनी तो आप कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे तो लास्ट रो पे चले जाएंगे और इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल अप दबाएंगे तो आप फर्स्ट रो पे चले जाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आप एक्सेल में कहीं सेंटर में हैं और अब आपको जो है वो ए वन पे वापस जाना है तो आप क्या करेंगे कंट्रोल होम दबाएंगे तो वो आपको ए वन या आपकी एक्सेल शीट की बिगनिंग पे ले जाएगा इस तरह से हम जो है वो एक्सेल शीट में मूव करते हैं फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम या वन सेल टू अनदर सेल उसके बाद अगर आपको क्विकली किसी सेल पे जाना हो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे जो है वो यहाँ पे आना है विच इज़ पी सिक्सटीन अगर आप यहाँ पे देखें ये पी सिक्सटीन लिखा लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं पी सिक्सटी पर कैसे जाऊँगा तो इसका शॉर्टकट तरीका यह है कि आप कंट्रोल जी दबाएँ अगर आप कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे पी सिक्सटीन तो वो आपको P16 सेल पर ले जाएगा C10 इसका शॉर्टकट क्या है तो इसका शॉर्टकट है एफ फाइव अगर आप कंट्रोल G प्रेस करके बी ए विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप आप P16 लिखेंगे एंड एंटर करेंगे तो अगेन यू विल बी एट P16 दिस इज द क्विकस्ट मेथड टू मूव अराउंड इन एक्सेल शीट लेट्स सी द इन एक्सेल शीट अगर मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है मुझे एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने हैं तो वट आई नीड टू डू तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लेफ्ट माउस बटन को दबाएं होल्ड करें और आपको जो सेलेक्ट करना है वो इस तरह से ड्रैग करके लेफ्ट राइट अप डाउन ड्रैग करके आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं दिस इज नोन एज सेलेक्शन बाय ड्रैगिंग सेकेंड ऑप्शन इज आप कहते हैं कि मेरे पास माउस बटन इज़ नॉट वर्किंग या आई डोंट वांट टू यूज माउस बटन तो फिर सेकेंड ऑप्शन इज कि आप F8 प्रेस करें अब ये सिलेक्शन मोड ओपन हो गया आप जो है वो राइट एरो की या डाउन एरो की या अप एरो की या लेफ्ट एरो की से आप अपने सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं सी दिस दिस इज़ आउ आई एम डूइंग एफ एट से अब ये सिलेक्शन कम्प्लीट हो गया आप इंटर करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा या फिर आप एफ़ एट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू इंटर डाटा इन एक्सेल शीट या इंटरिंग डाटा इन एक्सेल शीट तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि आप जिस भी सेल में खड़े वहाँ पर आप टाइप कर दें कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप नंबर टाइप करते हैं वन टू थ्री तो ये आपके पास वन टू थ्री नज़र आ जाएगा यहाँ लेकिन अब भी कर्सअप लिंक कर आप इंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाएँगे और ये डेटा टाइप हो जाएगा आप कहते हैं मुझे टाइप करना है तो आप टेक्स टाइप कर दें एंड प्रेस एंटर तो ये टेक्स आपके पास आ जाएगा अगर आप ऑब्जर्व करें नंबर विल विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट राइट अलाइनमेंट अलाइनमेंट इट हैव और का लेफ्ट अलाइनमेंट होता है जो यूनिवर्सल रूल है तो ये एक्सेल भी उसी तरीके से इसको फॉलो कर रहा है दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप फॉर्मूला बार में चले जाएं जिस सेल पर आप खड़े हैं फॉर एग्जांपल मैं जो हूं वो F2 पे खड़ा हूं मैं F2 पे क्लिक करता हूं उसके बाद मैं फॉर्मूला बार में जाता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइपिंग सी मैंने वहाँ फार्मूला बार में टाइप किया तो वो नीचे सेल में टाइप हो गया देन हाउ टू एडिट सेल्स अब अगर आपको सेल्स को एडिट करना हो तो उसका सबसे क्विकस्ट फॉमूला ये है कि आप जिस सेल को एडिट करना चाहते हैं आप उस पर जाएँ एंड प्रेस एफ टू कर दें तो देखें कर्सर अगेन ब्लिंक करने लगेगा अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको ठीक करना है और ये मैंने टी को कैपिटल करना है मैंने ये एडिट किया और मैंने इंटर कर दिया तो दिस हैज़ बीन चेंज दूसरा तरीका यह है कि आप सेल पे जाएं और फॉर्मूला बार में जाएं और आप कहें कि मुझे जो है वो इसमें कोई एडिशन करनी है इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज रेप टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये टेक्स्ट देखें माई नेम इज इमरान उमर तो ये एक सेल से बाहर जा रहा है तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको रैप टेक्स्ट कर दें रैप टेक्स्ट करने के लिए आप क्या करें होम के टैब पे जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है रैप लिखवास अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें ये टैक्स रैप हो गया मींस एक ही सेल में उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया अगर इफ़ यू डोंट वांट टू डू लाइक दिस तो, तो, तो शॉर्टकट कंट्रोल वन दबाएं और यहाँ पे आप आए अलाइनमेंट में और रैप टैक्स पे जो है वो टिक लगा दें एंड देन प्रेस ओके तो इट विल ऑटोमेटिकली डू द रैप टैक्सिंग आप कहते हैं मुझे रैप टेक्स नहीं करना आई जस्ट वॉन्ट टू एडजस्ट दिस इन वन सेल तो आप यहाँ से अपने कॉलम को पकड़ें बाय क्लिकिंग लेफ्ट माउस बटन और इसको ड्रैग करके ऐसे कर दें तो ये ऑटोमेटिकली सेल एडजस्ट हो जाएगा या कॉलम एडजस्ट हो जाएगा और द अदर ऑप्शन इस कि आप यहाँ पर आएँ और देखें यहाँ पे जैसे आप ए डी और ई e के दरमियान रखते हैं कर्सर चेंज हो जाता है अगर आप यहाँ पे डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉलम को एडजस्ट कर लेगा या फिर थर्ड ऑप्शन इस कि आप यहाँ पर आएँ और ये लिखा हुआ है कॉलम विद और यहाँ से आप अपनी कॉलम विद जो है वो ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड कर लें जो आप चाहते हैं तो ये देखें इसने कॉलम विद को एडजस्ट कर लिया सेम थिंग वी कैन डू इन रोज एज वेल इसी तरीके से रोज को सेलेक्ट करें इसी तरीके से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं डबल क्लिक करके वी कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट दिस या फिर रॉ को जो है हम उसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एटीन तो दिस हैज़ बीन एडजस्टेड देन इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट एनी इंट्री फ्राम द सेल तो वॉट यू नीड टू डू आप सिम्पली इस सेल पर जाएँ और डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो इट विल सिंपली डिलीट द एंट्री फ्राम दैट सेल लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे दूसरा ऑप्शन कोई चाहिए तो आप यहाँ पे जाएं फॉर्मूला बार में क्लिक करके बैक स्पेस की प्रेस करें एंड प्रेस एंटर तो दिस विल डिलीट द टेक्स्ट लास्ट थिंग बिफोर वी फिनिश टूडेज डिस्कशन इज हाउ टू तो सेव द फाइल अगर आपको फाइल अपनी सेव करनी है तो आपके पास इसके लिए दो तीन ऑप्शन हैं एक अगर आप कोई एक्सेस बार में देखें तो यहाँ पर आपके पास ये फ्लॉपी डस्ट नजर आ रही है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा सेव एस या सेव का ऑप्शन दूसरा ऑप्शन या दूसरा शॉर्टकट इज आप कंट्रोल एस प्रेस करें तो यू विल गेट दिस सेम ऑप्शन थर्ड इज आप फाइल में जाएं और यहाँ पे आपके पास सेव और सेव एस का ऑप्शन आ रहा है एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आपको इसको क्लोज करना हो वंस यूल डन विद दिस फाइल तो आप यहाँ क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो कहेगा अगर आपने सेव नहीं की तो वो आपके पास ये पॉपअप आएगा अदरवाइज वो सेव होकर क्लोज हो जाएगा इसका शॉर्टकट इज प्रेस ऑल्टर एफ तो जैसे ही आप ऑल्टर एफ करेंगे तो दिस विल क्लोज योर फाइल दैट्स इट फॉर टूडे इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो आप कॉमेंट सेक्शन में लाइट कर सकते हैं एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय